नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस वीडियो में हम बात करेंगे अनूपपुर को लेकर, जहां से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है। और ये कह सकते हैं कि ये वीडियो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दर्शाता है कि जो शिक्षक होते हैं उनका रिश्ता जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ कैसा होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट है उनके कई शिक्षक जो है काफी खास बन जाते हैं, और ऐसा ही मामला जो है अनूपपुर में देखने को मिला है। एक वार्डन का ट्रांसफर अनूपपुर में हो गया, और आप बता दें कि वार्डन के ट्रांसफर से जो छात्राएं थी वो काफी नाखुश नजर आई, और ये कह सकते हैं काफी उदास भी नजर आई हैं। और छात्राओं की ओर से रोना धोना तक देखने को मिला। छात्राओं ने जिला कलेक्टर तक अपील अपनी जो है रख दी है, अपनी मांगे जो है वो रख दी है कि वार्डन का जो ट्रांसफर किया गया है उस ट्रांसफर को रोक दिया जाए। और इस बीच आपको बता दें कि मामला और भी ज्यादा कह सकते हैं कि गंभीर हो गया, जब छात्राएं रोने लगी और रोते रोते कई छात्राएं बेहोश तक हो गई, और इन छात्राओं को अस्पताल में एडमिट तक करवाना पड़ा है। और ऐसे में अब ये मामला जो है विचाराधीन हो चुका है, और अब जिस तरीके से छात्राओं के द्वारा माफ कीजिएगा, ये पूरा मामला कलेक्टर के सामने भी रखा गया। देखना यहाँ पर ये भी दिलचस्प होगा कि किस तरीके से वार्डन का ट्रांसफर को रोका जाता है, या फिर किस तरीके से वार्डन का ट्रांसफर जो है वो निरस्त नहीं किया जाता है। इसके बाद जो छात्राएं हैं जो लगातार रो रही हैं, लगातार इस बात की मांग कर रही हैं कि जिस वार्डन का ट्रांसफर किया गया है उसके ट्रांसफर को रोका जाए। वो ट्रांसफर नहीं रुकता है तो उनका अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि पहले स्टेप में जिस तरीके से काफी दुखी नजर आ रही है और रोते बिलखते हुए नजर आ रही है, इसके बाद वो किस तरीके से रिएक्ट करते हुए नजर आएगी ये देखना दिलचस्प रहेगा। वही दूसरी ओर आपको बता दें कि छात्राओं का ये भी कहना है कि जो वार्डन थी वो काफी अच्छी थी और अच्छे तरीके से उनकी देखभाल करती थी, उनकी बातों को मानती थी, और वार्डन की जो बातें थी वो भी छात्राओं के द्वारा मानी जाती थी। और नई वार्डन को लेकर छात्राएं जो है वो काफी असमंजस में है, और काफी कहीं ना कहीं डरी और सहमी हुई है कि नई वार्डन जो आएगी उसका व्यवहार कैसा होगा, किस तरीके से छात्राओं से वो पेश आएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक दुविधा छात्राओं के सामने बनी हुई है। अब देखना दिलचस्प यहाँ पर रहेगा कि कलेक्टर की ओर से क्या कुछ फैसला पूरे मामले पर लिया जाता है, या जो शिक्षा अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले पर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना है। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।